देखिए फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बहुत आसानी और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं बेसन के लड्डू। आइए फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू के लिए देसी घी लिया है मैंने। देसी घी हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट काटे हैं मैंने, बादाम और काजू। ये इलायची पाउडर है, ये 2 कप बेसन, ये बूरा, बूरा जरूरत के हिसाब से डालेंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैंने फ्राई वेल रख लिया, इसमें देसी घी डालेंगे हम और इसको हम गरम कर लेंगे देसी घी को। देखिए फ्रेंड्स, घी गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे देसी घी में हम बेसन। बेसन को देसी घी में भूनेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे क्योंकि ये फ्राई वेल में ना लगे इसीलिए। और गैस को हम कम कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हो जाएगा घी में डालने के बाद बेसन। और इसी तरह से भूनेंगे हम, कम से कम इसमें 20 मिनट लगेंगे गोल्डन ब्राउन होने में। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन हो चुका है बेसन। इसी तरह से हम चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन किया है। अगर आप चलाओगे नहीं तो ये नीचे तले में लग जाएगा। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं बेसन को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये थाली में पलट लिया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको खुले में ही ठंडा करना है। और फिर इसके बाद हम लड्डू बनाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इस बेसन में हम सामान ऐड करेंगे। ये इलायची पाउडर ऐड किया है, ये ड्राई फ्रूट कर रही हूँ मैं इसमें ऐड। और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें बूरा डालेंगे। आप कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो आप वैसा डाल सकते हो इसमें। मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें बूरा डाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रण बेसन का तैयार हो चुका है। अब बेसन के लड्डू तैयार करेंगे हम। We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So बेसन के लड्डू तैयार हो चुके हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ये बेसन के लड्डू। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको बेसन के लड्डू कैसे लगे। धन्यवाद।